हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नए यूट्यूब ब्लॉग में। तो अभी आपको मेरी शक्ल और मेरी से पता चल ही रहा होगा कि मैं अभी जस्ट 5 मिनट पहले उठा हूँ। अभी बाय द वे 12:15 बज चुके हैं। अभी पता नहीं किसने तो बेल बजाई थी और मतलब डिलीवरी बॉय था और मेरा ये पैकेज आ गया है। इस पैकेज में क्या है ये आपको टाइटल पढ़ के पता चल ही गया होगा। मतलब मैंने माइक ऑर्डर किया था, ये पैकेज ऑलमोस्ट सुबह 9 या 10 बजे आने वाला था, बट अभी लाइक 12:15 हो चुका है। बस स्टिल कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैंने कल रात को 9 बजे ऑर्डर किया था। विद इन 15 आवर्स तो ये पार्सल डिलीवर हो चुका है। ये माइक मैंने इसलिए ख़रीदा क्योंकि मुझे मेरे काफ़ी सारे दोस्त बोल रहे थे कि भाई तू इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना। पिछले कुछ दिनों से मेरे ब्लॉग चल नहीं रहे। मैं देख रहा हूँ ब्लॉग्स पे 90-100 उतने व्यूज़ आ रहे हैं, बस उतने चल नहीं रहे। पहले आते थे 250-300, अभी पता नहीं क्यों ऑडियंस का रिटेंशन कम हो चुका है और देखते नहीं पब्लिक। पर ठीक है, कोई बात नहीं, हर एक का टाइम होता है। तो अभी के लिए तो इस माइक को अनबॉक्स करते हैं। टाइम टू अनबॉक्स। ओके, सो ये एक डिजिटेक का वायरलेस माइक है, ब्लूटूथ वाला, जो आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे अटैच करते हैं और बात करते हैं। तो बाकी क्या है इसमें कि बस रिसिप्ट है, कितने को पड़ा वो सब, ये वो सारी चीज़ें। तो अभी ये माइक अनबॉक्स करते हैं। केस बढ़िया है यार, ये देखो रखने के लिए अच्छा है। आई थॉट अच्छा, 3 माइक आ गए क्या? अच्छा नहीं, ट्रांसमीटर, रिसीवर, ट्रांसमीटर। अभी ये मुझे पता नहीं है क्या है, मुझे पढ़ के चेक करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ टोटल। ये रिसीवर है, ट्रांसमीटर और यहाँ पे उन लोगों ने काफ़ी सारे कैप्स दिए हुए हैं सो दैट वो जो भी एयर का नॉइज होता है वो सारा कट ऑफ हो जाए। कैप है काफ़ी सारे और ये वायर्ड ईयरफोन्स है और ये चार्जिंग केबल वगैरह है, बस बाकी कुछ नहीं है। और इसके अंदर लिखा है कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो अभी ये पढ़ता हूँ, उसके बाद आप लोग से बात करता हूँ अटैच करने के बाद। हेलो 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 हेलो, माइक चेक। आई होप आप लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे होंगे। आई डोंट नो, मतलब मुझे अभी क्लिप में चेक करना पड़ेगा मेरा आवाज़ पहले कैसा था और अभी कैसा है। तो ये कुछ तो इस पता नहीं क्या हो गया। सो अभी इसको अपने को लपचा भाई, हाँ ऐसे कहीं पे भी अटैच करना है टी शर्ट पे। एंड वी आर रेडी टू ब्लॉग, वी आर रेडी टू रिकॉर्ड। और ये मुझे काफ़ी बेनिफिशियल है। मुझे जब अभी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड कर रहा होगा तब काफ़ी बार क्या होता है ना कि विंड का नॉइज होता है काफ़ी सारा और आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आती जितना मैं चाहता हूँ। तो एक्चुअली ना यहाँ पे ये ऐसे दो है, लाइक ये ट्रांसमीटर है, ऐसे दो है, आप कोई भी एक से रिकॉर्ड कर सकते हो और एक रिसीवर है। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास आईफोन है तो एस वाली वाइट वाले डब्बे में वो लोग आपको आईफोन वाली वायर दे देंगे। और आपके पास अगर नॉर्मल फ़ोन है एंड्रॉयड वगैरह तो उसके लिए वो लोग ऐसे आ गई भाई, हाँ तो उसके लिए वो लोग ऐसी नॉर्मल वायर भी दे देंगे। कैमरा के लिए भी सेम वायर है, एक्स्ट्रा वायर वो लोग ने प्रोवाइड की है इन केस अगर नहीं, ये चार्जिंग केबल एक्चुअली। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो उसके लिए भी उन लोग ने एक वायर प्रोवाइड की है, आईफोन के लिए भी एक वायर प्रोवाइड की है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस रिसीवर को ऑन करना है, ट्रांसमीटर को ऑन करना है और उसके बाद आप बस रिसीवर को ऑन करिए, ट्रांसमीटर को ऑन करिए, वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को बस वीडियो रिकॉर्ड करके उसने आपको बोलना है, हो जाएगा सिंपल। अभी जब भी दोनों में से किसी की भी एक की चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पर चार्जिंग केबल है, उसे चार्ज कर लेंगे अपन। DSLR के लिए अपन ये वाली केबल यूज़ करेंगे, जहाँ पर कैमरा रखा है वो ये वाली। तो बस यही था अनबॉक्सिंग का वीडियो। आई नो काफ़ी रॉ था और इतना अच्छा नहीं था, बट सीख रहा हूँ यार, अभी स्टार्ट किया है मैंने। स्टार्ट किया मतलब मेरा पहला ही कुछ तो ऐसा डिजिटल वाला है जो मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो देखते हैं, अभी ये पहन के आज वर्कआउट करेंगे जिम में। आज है अपना चेस्ट और शोल्डर्स डे, तो चलते यार, अभी देखते हैं कैसा आवाज़ कैसे आ रहा है। आई गेस आप लोग को अच्छा आवाज़ आ रहा होगा, क्लियर आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि मेरी आवाज़ ही ऐसी है। मतलब अभी आप लोग से सीधा मैं प्री वर्कआउट मील के बाद सीधा जिम में मिलूंगा। बाय।
तो सबसे पहले हमें रोटेशंस करने हैं रोटेटर कफ के लिए, तो सबसे लाइट वेट पे रख के अपने को ये रोटेशंस करना है। इसके आप लोग 2 सेट कर सकते हो, 10 से 12 रिपीटेशन। सबसे लाइट वेट पे रखना है ताकि आपके शोल्डर पे ज़्यादा स्ट्रेन ना है। सेम दूसरे साइड से भी करना है। उसके बाद ये वाले रोटेशंस करने हैं सेम। आपको अपना शोल्डर जितना स्टिफ रख सकते हो उतना स्टिफ रखना है, सो दैट आपके रोटेटर को अच्छे से वार्म अप हो। इसके भी सेम 10 से 15 रेप्स बोथ साइड। चालू है? हल तो है, हलू दे छोड़। नॉर्मल शोल्डर रोटेशंस बोथ साइड। माइक गिर जाता अभी। सिंगल हैंड भी परफॉर्म कर सकते हो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पुश डे पर नहीं, किसी भी डे पर आपको आपके रिस्क को ट्रेन करना पड़ेगा अच्छे से, तो रिस्क रोटेशंस भी करना है। अब आप लोग अगर वार्म अप सेट के लिए थोड़े से 10 से 12 पुशअप्स ले सकते हो तो ले सकते हो, और एल्स मैं क्या करता हूँ कि मैं वार्म अप सेट इंक्लूड कर लेता हूँ, 2 वार्म अप सेट करता हूँ, उसके बाद में एक वर्किंग सेट। तो 45 LBS से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा पहला सेट अराउंड 50 से होने वाला है, सॉरी 70 से होने वाला है। तो एकदम लो इंक्लाइन पे, मतलब प्रॉपर जो इंक्लाइन होता है इतना इंक्लाइन पे नहीं है, उससे एक पॉइंट थोड़ा सा नीचे लिया है। और अभी विल डू आर वार्म अप सेट। तो बस ऐसे ही अपने को 2 सेट करने इसके, उसके बाद विल मूव ऑन टू आवर वर्किंग सेट। 4 दिन से वर्कआउट नहीं किया है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया था। तो अभी आज लाइट ट्रेन करने वाला है, 70 kg से स्टार्ट करूँगा। मैं हमेशा रिवर्स पिरामिड टेक्निक ट्राई करता हूँ क्योंकि जब मैं आता हूँ तो अपने बॉडी में ज़्यादा एनर्जी होती है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 70 जो मेरा हाईएस्ट होता है उसको पहले ट्राई करता हूँ। अगर मुझे सबसे हैवी जो मारना है वो सेट मैं पहले लेता हूँ, अगर मुझे 90 या 80 से मारना है तो मैं वो पहले ले लेता हूँ, उसके बाद फिर 70, 60 ऐसा। आज थोड़ा लाइट जाता है, एकदम फुल कंट्रोल वे में मारेंगे। 70 से आई गेस विल डू 2 सेट्स और उसके बाद 1 60 से मारेंगे। तो बस अभी वही करते हैं। सेकेंड वार्म अप सेट, इससे पहले भी मैंने 50 का सेट किया लेकिन वो शूट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों मैंने गलती से ऑफ कर दिया। सो लेट्स गो। आपको ज़्यादा नहीं, मैक्स 3 से 4 रेप्स खींचना है या फिर 5-6 रेप्स भी खींच सकते हो। मेक श्योर कि आप अपनी ज़्यादा एनर्जी इसमें वेस्ट ना करो क्योंकि ये वार्म अप सेट है, वर्किंग सेट नहीं है। आपको अपनी ज़्यादातर एनर्जी इसमें वेस्ट नहीं करनी है क्योंकि फिर आप अपने वर्किंग सेट में एनर्जी नहीं लगा पाओगे। तो बस अभी अपने 2 वार्म अप सेट हो गए, अभी सीधा स्टार्ट करेंगे अपना वर्कआउट। सबसे पहले हम लोग करेंगे इंक्लाइन डंबल्स, उसके बाद OHP डंबल OHP, देन विल मूव टू फ्लैट मशीन प्रेस, उसके बाद पेग डेक फ्लाइज या फिर केबल फ्लाइज जैसा मूड होगा से देखेंगे, उसके बाद में लैटर लेदर्स और फिर विल एंड आ वर्कआउट। तो चलो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो अभी फर्स्ट सेट लेंगे 70 kg के साथ में, लेट्स गो। ज़्यादा रश नहीं करेंगे, सॉरी 70 LBS के साथ में, 70 kg गलती से बोल दिया। सो अभी इसके मैं ऑलमोस्ट 6 से 8 रेप्स मारूंगा, आई डोंट नो जितने जाएंगे उतने, बट लेट्स गो। Yeah.
No reps. Nine. Nice. तो पहले सेट में भी गॉट 9 रेप्स। आप लोगों ने देखा होगा मैंने काफ़ी कंट्रोल वेट में मारा, वरना 70 kg के मैं वैसे 11 से 12 रेप्स मार लेता हूँ। 70 LBS के, सॉरी यार, जिम में सारे वेट्स LBS में ना, तो ठीक से मैं समझ नहीं पाता उसको। अभी फर्स्ट सेट हो गया, अभी मैं 3 से 4 मिनट का रेस्ट लूँगा। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि रेस्ट पीरियड कितना होना चाहिए सेट्स के बीच में, तो ऐसा कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं है। आपको जितना चाहिए आप उतना रेस्ट ले सकते हो। अगर आपकी बॉडी अराउंड 1 मिनट में रिकवर कर रही है तो आप 1 मिनट में रिकवर कर सकते हो, और एल्स यू कैन ट्राई 3 to 4 मिनट्स। मैं 5 से 6 मिनट का भी गैप रखता हूँ ताकि मैं अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर सकूँ अच्छे से, बॉडी रिकवर हो, और बस इतना ही। सो ऐसे कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपको इतना सेकंड्स ही होल्ड रखना है फिर इतना नहीं रखना है। आपको जितना चाहिए आप लोग उतना सेट्स के बीच में गैप ले सकते हो, नो वरीज। ओके, सो सेकंड सेट सेम वेट के साथ में 70 LBS, और आराम से अच्छे से 3-4 मिनट का गैप हो चुका अपना, 3-4 मिनट रेस्ट कर लिया है। लेट्स गो। काफ़ी ज़्यादा पंप हो गई यार चेस्ट। अच्छा सेट गया, 8 रेप्स मिले। मैं मोस्टली 6 से 12 के रिपीटेशंस के बीच में ट्रेन करता हूँ। अभी पंप चेक करेंगे, सो माइक निकाल के रखता हूँ वरना माइक गिर जाएगा। आई डोंट नो कैसा लग रहा हूँ, काफ़ी मोटा लग रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी बदल चुकी है पहले से। पहले काफ़ी लीन था मैं, अभी थोड़ा वेट गेन कर लिया है। शायद से फिजिक काफ़ी ख़राब दिख रही होगी क्योंकि पिछले हफ्ते भर से अच्छा वर्कआउट नहीं कर पाया हूँ मैं, डाइट भी ज़्यादा फोकस नहीं है, और हाँ बल्किंग की थी तो कल लास्ट दिन होगा बल्किंग का, 31st, और कल चीट करेंगे काफ़ी ज़्यादा, परसों से विल कट। बाकी अभी के लिए एक फिजिक अपडेट दे देता हूँ। करंटली आई एम ऑन 74.4 kg इन द मॉर्निंग। ऐप्स तो है ही नहीं, तो खींच के दिखाने पड़ रहा है वो अभी। तो अभी लास्ट सेट लेंगे, उसके बाद विल मूव टू OHP, और लास्ट सेट के लिए मैं ले रहा हूँ 60 LBS। लेट्स गो, इसके आराम से विल ट्राई टू गो फॉर अराउंड 9 to 10 रेप्स। चलो Hmm.
इतना दिख नहीं रहा होगा वीडियो में बट काफ़ी ज़्यादा पंप आ चुका है, बढ़िया सेट हुए तीन। अभी विल्ट्रा है OHP नंबल परी, लेट्स गो। तो अभी हम डम्बल OHP ट्राई करेंगे और सेम ज़्यादा रेप्स नहीं, 6 से 12 रेप्स मॉडरेट वेट के साथ में, और ट्राई करेंगे कि हम अपने वेट को कंट्रोल करें नीचे लाते टाइम, और ऊपर लाते टाइम जोर से पुश करना है। लेट्स गो 60 LBS। Let's go, one more, go. फ्रंट डेल पे काफी ज्यादा प्रेशर आ गया। इकड़े इकड़े अभी मैं तुम लोग को एक हमारे जिम के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान से मिलाना चाहता हूँ। यह है मेरे दोस्त तन्मय। तन्मय हेलो बोल। हेलो बोल। तो अगर तुम लोग को पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह लेनी हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट तन्मय सर, काफ़ी अच्छा ट्रेन करते हैं, सीरियसली मजाक नहीं, लाइक उसका वर्कआउट पैटर्न मुझे काफ़ी पसंद है। एडिटिंग एडिटिंग करता काढ़ू नको टाकू। नहीं नहीं नहीं, ये पण टाकणार आता मी। हाँ, अगर आप लोग को PT लेनी है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट प्रतीक सर और तन्मय सर। चलो अभी सेकंड सेट। तो अभी सेकंड सेट लेने वाले हम लोग और सेम वेट है 60 LBS, बट इस टाइम थोड़े से कम रेप्स जाए, 7 से 6 रेप्स ही, ज़्यादा नहीं, बट कोई टेंशन नहीं क्योंकि मैं वैसे भी 6 से 12 के रिपीटेशन के बीच में ट्रेन करता हूँ। सो लेट्स गो। अगले सेटअप के लिए हम लोग लेंगे 50, अभी बता रहा हूँ वरना बाद में भूल जाऊँगा। लेट्स गो सेकंड सेट। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। थर्ड सेट लास्ट सेट 50 LBS, क्योंकि 55 नहीं है वरना 55 लगा लेता। सो लेट्स गो, विल ट्राई टू गेट 10 रेप्स विद दिस। Let's go. No. Last. काफ़ी तड़ा पंप आ चुका है 3 सेट्स में ही। अभी हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी
फ्लैट मशीन प्रेस, तो वो करते हैं। चलो आठ रैप्स, आठ रैप्स 110 केजी पे, आठ रैप्स। आपके जिम में अगर ये मशीन नहीं है तो इसके बदले आप लोग फ्लैट डंबल प्रेस, अभी फ्लैट बेंच प्रेस भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मैं जानबूझ के अपने चेस्ट डे पे दो चेस्ट की एक्सरसाइज रखता हूँ, पुश मूवमेंट, क्योंकि मुझे पसंद है। अगर आप लोग एक पुश मूवमेंट एक फ्लाई रखना चाहते हो तो आप वो भी रख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी सेकंड सेट सेम वेट के साथ में 110 केजी, लेट्स गो। बढ़िया सेट हुआ यार, वाट लग गई चेस्ट की। ओके सो अभी मैंने वेट ड्रॉप किया है, अभी इट्स 100 केजी राइट नाउ। 100 केजी के साथ मैं ऑलमोस्ट 9 से 10 रेपिटेशंस मारने का ट्राई करूँगा। उसके बाद वो सेट एंड होने के बाद मैं तुरंत कंटिन्यूसली 10 के प्लेट निकाल दूँगा, फिर 80 केजी से वेट मारूँगा, उस पर जितने रेप्स आएंगे उतने मारूँगा, उसके बाद 20 के प्लेट निकाल दूँगा और फिर 40 केजी पे रेपिटेशन मारूँगा। तो ये मैं जानबूझ कर ड्रॉप सेट लेता हूँ थर्ड सेट, क्योंकि इसके बाद मुझे सिर्फ फ्लाइज लेना है और लैटरल ब्रेसेस। लेट्स गो लास्ट सेट, लेट्स गो लेट्स गो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ड्रॉप सेट। तो अभी 80 केजी है, इसके साथ में फटफट रेप्स मारेंगे, कंट्रोल में नहीं, जितना खींच सकते हैं उतना। सिर्फ ये जो ड्रॉप सेट का जो लास्ट वाले सेट थे ये मैं सिर्फ पंप के लिए लेता हूँ बस। चलो और एक, जितने जाएंगे उतने रेप्स मार रहे हैं। बाहर खत्म है यार, खत्म है मेरी चेस्ट, काफ़ी तगड़ा पंप आ चुका है और प्रॉपर चेस्ट पे फील हो रहा है, ऐसा भी नहीं कि शोल्डर पे फील आ रहा है या फिर कुछ, प्रॉपर चेस्ट में फील हो रहा है सेट। अगर आप लोग की जिम में ये मशीन नहीं है तो आप लोग फ्लैट डंबल प्रेस या फिर बेंच प्रेस भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मेरे जिम में दो मशीन्स है, ये और वो, आप एक केबल वाली मशीन है फ्लैट के लिए। वैसे मैं पहले सिर्फ दो ही एक्सरसाइज रखता था चेस्ट के,
एक पुश और एक फ्लाई। लेकिन रिसेंटली पिछले 3-4 हफ्तों से मैंने इस मशीन को अपने वर्कआउट में ऐड किया, क्योंकि एक मशीन मूवमेंट है और जितने भी मशीन मूवमेंट होते हैं ना वो मोस्टली सेफ ही होता है, तो इंजरी प्रोन होने की ज़्यादा चांसेस नहीं है और बस ऐसे ही अच्छा लगता है। अगर आप लोग सिर्फ एक पुश और एक फ्लाई मूवमेंट ही रखना चाहते हो तो आप वैसे भी रख सकते हो, लेकिन मैं जानबूझ के 2 पुश और एक फ्लाई रखता हूँ। तो अभी जाएंगे पेक डेक फ्लाइज और उसके बाद लैटरल लेजर एंड देन विल एंड आवर वर्कआउट। तो पेक डेक के भी 4 सेट लेंगे हम लोग, डिपेंड करता है, अगर आपको केबल पे मारना है तो आप केबल पे भी मार सकते हो, फ्लाइज इस पर मारना इस पर भी मार सकते हो। मैं दोनों पे मारता हूँ, लाइक 2 हफ्ते इस पे मार लिए 2 हफ्ते उस पे, तो ये मैं जब भी मारता हूँ मैं नोट डाउन करके रखता हूँ, तो मेक श्योर कि आप भी अपने वर्कआउट नोट डाउन करके रख रहे हो। यहाँ पे भी हम एकदम चेस्ट अप रखना है, उसके बाद मेक श्योर कि आप ऐसे बेंड नहीं हो रहे, जब आप बेंड मतलब लास्ट में ना कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं ऐसे, तो वैसे नहीं करना है। अगर वैसे करना पड़ रहा है मीन्स आप अपने चेस्ट से पूरा जो फोकस है वो हटा रहे हो, इससे अच्छा जितने रेप जा सकते हैं उतने ही मारो, कम तो कम। लेट्स गो 7.5 reps, 55 kgs, let's go, same, अच्छे से वेट को कंट्रोल करके मारना है एंड आगे बेंड नहीं होना, 1 सेकंड का होल्ड लेना है, बस इतना याद में रखना है अपने को। चेस्ट अप और गो। काफी अच्छा सेट था, गुड। थर्ड सेट, एक एक रैप एक्स्ट्रा आ रहा है सिर्फ, पहले सेट में 7 सेकंड में 8 और अभी 9, पर ठीक है चलता है उतना। तो अभी जो लास्ट सेट है मैं लेटर रेजेस का सिर्फ लास्ट सेट फिल्म कर रहा हूँ, 4 सेट किए और ये मेरा लास्ट सेट है, 5वां सेट, और इस सेट के लिए मैं ट्रिपल ड्रॉप सेट लेने वाला हूँ, कि 30 LBS के साथ में मैं जितने पॉसिबल होंगे उतने रेप्स लगाऊंगा, उसके बाद फिर 20 LBS, फिर 10 LBS। Let's go.
5 6 7 10 LBS. Let's go. This. Get it. What? Damn it. अभी बढ़िया वर्कआउट रहा आज का। वर्कआउट डन। चलो अरे नहीं सॉरी सॉरी ओके सो आई केम बैक होम और ये रहा मेरा पोस्ट वर्कआउट मील। ये है एक स्कूप वे प्रोटीन 200 ml दूध के साथ में। अगर आप लोग चाहो तो आप इसको पानी में भी ले सकते हो। वैसे तो मोस्टली लोग वर्कआउट के बाद में इसको पानी के साथ में ही लेते हैं, लेकिन मुझे इसका टेस्ट दूध में ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मैंगो फ्लेवर है ना, तो दूध में मैंगो शेक जैसे टेस्ट करता है, तो इसलिए मैं इसको दूध के साथ में लेता हूँ। थोड़ा स्लो डाइजेस्ट होता है बट कोई नहीं, ठीक है। तो बस अभी ये मैं अपना शेक फिनिश करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा अपने दोस्तों से मिलने, थोड़ा टाइम पास करूँगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आई बाकी इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आप लोग के वीडियो पसंद आया इस ब्लॉग को लाइक करना ना, नीचे कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यारो प्लीज़। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।